देखो भाई, अभी सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी दिल बेचारा जो कि 24 जुलाई को OTT पे आ रही है हॉटस्टार पे, तो अपन हम दो वीडियो में हमेशा बोले कि नहीं ये मूवी थिएटर में डिजर्व करती है, क्योंकि उनकी लास्ट मूवी है, उनके फैन लोग भी चाहते हैं कि ये मूवी थिएटर में हो। और हम लोग कमाई के मामले में जो बड़े बड़े स्टार हैं शाहरुख, अक्षय, सलमान, उनकी भी मूवी के पीछे हटा दें, इतना कमाई होनी चाहिए मूवी को। तो ऑटो वाले अंकल भी हमारे साथ हैं, तो वो भी कुछ बोलेंगे। मेरे हिसाब से तो थिएटर में ही आनी चाहिए, आप बताइए। देखिए, पहली बात है कि अगर वो मतलब है अपनी सीमा जो लीला समाप्त नहीं करते थे, जिंदा रहते थे, तो थिएटर में लगती तो अच्छी बात रहती और सबको खुशी महसूस होती और अच्छा लगता था। खुशी महसूस होती बराबर है, मगर वो तो चले गए, सुसाइड कर गए, मगर उनकी लास्ट मूवी है ना। नहीं, देखिए, ऐसी सुनिए मूवी, पहले देखिए मैं बात बोलता हूँ। पहली बात है कि ऐसे ही विनोद मेहरा करके एक एक्टर थे, उनकी एक मूवी जो है जय देव कुछ करके थी, जो कि वो बना रहे थे, तो क्या मरने के बाद उनकी थिएटर में लगी तो क्या सुपर डुपर हिट हो गई क्या? ऐसी कुछ नहीं बात है। देखो पहली वो बात जमाना अलग था, देखो वो जमाना का बात अलग नहीं। देखो पहली बात है कि ये जो स्टार जो था, जो बोलते हैं ना, जब वो है ना फूक फूक कर, वो चाय बोलते हैं ना, चाय जब पीते हैं ना, फूक फूक करके पीते हैं ना, तो उसमें मज़ा कुछ और है। झटके में पीते हैं ना, तो वो है ना या तो ऊपर जाता है या तो वो जल करके कुछ हो जाता है, तो उसको फूक फूक के, तो वो बंदा जो था फूक फूक के पीता था। फूक फूक पीने का मतलब ये है कि वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहा था और सुपर स्टार की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो वो थोड़ी जल्दबाजी कर दिए। अगर बाई चांस इनकी मूवी ये थिएटर में भी लग जाती है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो है सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, अक्षय कुमार हो गया, इनके जैसा उनका रिकॉर्ड उकॉर्ड टूट जाए। ये टाइम होता है। देखो इनका टाइम जो है, मैं पहले ही बोला, कुछ लोग जो है ना जब 25 के उम्र में जब आते हैं, जब स्टार्टिंग में सुपर स्टार बनते हैं, तो 35 और 40 में जो है उनका क्रेडिट गिर जाता है। लेकिन जो है ना 30 के बाद और 35 के बाद जब सुपर स्टार जब चढ़ना चालू होता है ना, तो 55 और 60 तक जो है वो सुपर स्टार और किंग स्टार बन जाते हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान है। तो ऐसे ही जो है इनका स्टार जो है तैयारी हो रहा था, इन्होंने क्या किया, अपना तैयारी सब सत्यानाश कर दिया। तो पहली बात हो गया कि कोई बात नहीं, चलो उन्होंने गलती किया, जो भी किया वो बंदा अभी है नहीं, जो भी है, मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ, सुनो गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, लेकिन जो है सबके दिलों में है वो बंदा। पहली बात तो बोल रहा हूँ, सुनो मेरी, पहली बात सबके दिलों में है। अब रह गया कि हमें जो है उस बंदे की ये लास्ट मूवी है उसको जो है हर एक कोने कोने में पहुँचाना है और सबके दिलों पहुँचाना है। अब रह गया कि हर एक जगह पे जो है ना थिएटर चालू है बराबर, ना कुछ चालू है, लेकिन अब चालू क्या है, मोबाइल सबके हाथ में है और कोने कोने में है, और हर एक बंदा जो है घर में बैठा हुआ है, मम्मी डैडी के साथ बैठा हुआ है, तो हर एक पब्लिक देखेगी और ये महसूस करेगी कि एक अपना उभरता हुआ स्टार था और ये अपनी लीला समाप्त कर ली, बहुत गलत हुआ, तो ये महसूस करेगी और हमेशा करते रहेगी। और मैं भी यही चाहता हूँ, बस इसके लिए यही और एक मैसेज है कि ऐसा कोई और स्टार आता है तो बस मैं यही चाहूँगा, अगर ये वीडियो देखता हो या कहीं बैठा हो नया स्टार और आने की मतलब तैयारी कर रहा हो और कूद चुका हो, तो बस मैं यही चाहूँगा, अगर अंदर आपके अंदर सब कुछ है और आगे बढ़ने की इच्छा है, तो आप जो है ना ये सब गलती मत करो आत्महत्या करने की। और दूसरी बात यह है कि पीछे कौन क्या बोल रहा है, वो कान है, दो कान दिए हैं भगवान ने, एक कान सुनो, एक कान निकालो, जो अच्छा है वो बात अंदर रखो, जो खराब है उसको निकालो। अगर कोई बड़ा, बस मैं ये चाहूँगा, कोई अगर बड़ा स्टार अगर अभी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और उनकी बन के मूवी रेडी रहती, तो उनकी मूवी को जरूर थिएटर में ही रिलीज किया जाता, क्योंकि वो तो बड़ा स्टार है स्टार किड से, मगर छोटे स्टार है, क्योंकि हो सकता है इसके लिए वो मूवी को नहीं डाल रहे हैं हॉटस्टार पर। नहीं नहीं, ये देखो पहली बात क्या है मालूम है कि अगर ये थिएटर में भी डाला जाएगा एक हिसाब से, तो ये साल में रिलीज भी होगा तो पूरे वर्ल्ड में नहीं हो पाएगा, और कुछ इंडिया में होएगा तो बिजनेस नहीं कर पाएगा। सुनो, नहीं, मेरे बड़ा स्टार अभी अक्षय कुमार जी है, उनका पिक्चर भी रुका हुआ है, सब है, अब अगले साल डालेंगे। तो देखो ये है ना, ये जो देखो जो है ना नीचे से फूक फूक करके ऊपर आता है ना, बाद में उसको है ना उसको तोड़ना भारी हो जाता है, तोड़ना मतलब गिराना भारी हो जाता है उसको सुपर स्टार से। जैसे अक्षय कुमार जो है
उनका देख लो आप, कैरियर देख लो, 30 तक जो है कोई इतना नहीं, लेकिन 30 के बाद जो उनका कैरियर स्टार हुआ, आज जो सुपरस्टार हो चुके हैं, सुपरस्टार हो चुके हैं, तो इनको हटाना नामुमकिन है। तो ऐसे ही जो है उनका चल रहा था, उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली। तो ये जो है कोई बड़ी बात नहीं है, जब उनकी पिक्चर रिलीज हो जाएगी आने दो। अब चाहे कोई बड़ा स्टार उनको गलत बोले या छोटा स्टार बोले या करण जौहर पिक्चर रोके या वो रोके वो रोके, कोई मतलब नहीं, हम लोग मोबाइल में ही देख लेंगे। हम लोग उनको अपने दिल में रखे हैं, बस हमारी इच्छा यही है कि आगे कोई स्टार अगर आ रहा है तो ऐसी गलती ना करे, क्योंकि हम लोग जो दर्शक हैं, हमारे दिल पर बहुत कुछ गुजरती है और उसे महसूस करना पड़ता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये महसूस करने के लिए आप मत काम कीजिए और ऐसी घटना मत कीजिए, फाइट कीजिए लास्ट तक, जो होएगा वो आप जो है दर्शक के सामने शेयर करें। अगर आपसे नहीं हो रहा है, करने की इच्छा नहीं हो रही है या कुछ मन नहीं मान रहा है, तो आप डायरेक्ट टीवी है, मीडिया है, सबके सामने रख दीजिए और दर्शक से बात कीजिए। दर्शक आप लोग को रास्ता दिखाएंगे, जैसे उसमें से मैं एक हो गया, ऑटो वाला अंकल हो गया, फिल्मी सिकंदर हो गया, या मतलब बहुत से ऐसे लोग जो हैं, विजय भाई हो गए, लालू हो गए, बहुत से ऐसे जो हैं क्रिटिकर में भी जो है आनंद करण आदर्श हैं, मतलब किसी ना किसी का तो बात आपको मतलब है, उनकी अच्छी अच्छा लग जाएगी और आप जो है ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। तो ये सब जो है बात जो है, आप जो है ऐसी घटना मत कीजिए। दर्शक हर एक स्टार के साथ है, और अगर कोई ऐसा स्टार और आए और दर्शक के दिलों पर राज करना चाहे, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप दर्शक के सामने आइए और हमारे सामने रखिए, जो होएगा हम सही रास्ता दिखाएंगे।